शाहरुख खान की फिल्म का एक बहुत ही फेमस गाना है जी राजेश सर, आप वहां रहे, हम लोग आपके पीछे आ रहे हैं। वो गाना याद है, चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर जब मैं स्टूडेंट से मिला, यहाँ पर जब कॉलेज कैंपस के वाइब को मैंने चेक करने की कोशिश की, बिल्कुल यहाँ पे हर स्टूडेंट की आंखों में एक ख्वाब था कुछ कर जाने की, कुछ अमेजिंग करने की। सो आई हैड सम ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड हैड सम ग्रेट एक्सपीरियंस। सो ये है NSU के टेरेस पर हमें, और यहाँ से मैंने सोचा कि अभी हम सारे स्टूडेंट्स की शक्ल दिखाने से पहले आपको यहाँ का व्यू दिखाएं। द व्यू इज एब्सोल्युटली मैजिकल। थोड़ा इवनिंग का समय हो चुका है, कितने बज गए भाई, कुछ 3 बज रहे हैं, और आप यहाँ से व्यू देखिए, ये व्यू है अमेजिंग। और अब आपको सीधा लेके चलते हैं हम क्लासरूम में, क्लासरूम हमारा इंतजार कर रहा है। आप देखिए स्वागत कैसे होता है हमारा, क्या लगता है सोनू भैया, ताली वाली बजेगी, थोड़ी इज्जत बची है हमारी। चलिए तो अब हम चलते हैं सीधा, और राजेश सर एक बार फिर से हमें कंपनी दे रहे हैं। राजेश सर ने आज हमारा इतना साथ दिया ना, अच्छे अच्छे दोस्त नहीं देते हैं। मैं फिट हो गया आज आपके साथ, मेरे साथ आप फिट हो गए आज। और राजेश सर को मैंने पूछा भी, सर आप भी जिम करो, वो बोलते मैं आपका फिटनेस वीडियो देखता हूँ बस, उससे ज्यादा मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिए जिंदगी। तो चलिए बच्चे इंतजार कर रहे हैं, और प्रियंका जी और रोशनी जी भी थक चुकी है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आज? बहुत अच्छा रहा। और आपका? बहुत टायर्ड। शक्ल सही लग रहा, बहुत टायर्ड है। चलिए सीधा अंदर चलते हैं। हेलो मैम, हाय, कैसे हैं मैम? या आई एम फाइन सर। तो आज बच्चे एकदम रेडी वेट कर रहे हैं शायद हमारा। यस दे आर वेटिंग। यस चलिए फिर, ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, यहाँ से चलते हैं। हाय हाय, हेलो। सो एक्चुअली सरप्राइज है कि हम लोग फेसबुक पर लाइव है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, क्लू नहीं होगा। सो आप लोग बैठिए। आई एम वेरी मच श्योर there must be some serious studies going on, but मैंने सोचा थोड़ा फन भी जरूरी है लाइफ में, तो इसीलिए थोड़ा फन करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया। ओके, फेसबुक लाइव साइड बाई साइड चलता रहेगा, लेकिन हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। सो आर यू रेडी फॉर इट? ये लड़का तो रेडी है, पर आप लोग क्यों रेडी नहीं है? आप लोग रेडी हैं? Yes. देखो पीछे बैक बेंचेस वालों से मेरी स्पेशली सहानुभूति है, तो हो सकता है मैं बीच बीच में आपको बुलाता, तो थैंक यू सो मच पीछे बैठने के लिए, क्योंकि मैं खुद बैक बेंचर रहा हूँ ना, तो इसीलिए मैं ज़्यादा आप लोगों से इत्तफाक रखूंगा। सो मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ, आप में से कितने सारे लोग मेरे बारे में जानते हैं, हाथ उठाई। वाओ, दिस इज माय अचीवमेंट। सो हाय, मेरा नाम आरजे मनोज है, आई वर्क फॉर अ रेडियो स्टेशन कॉल्ड रेडियो सिटी, एंड 91.1 पर आप मेरी आवाज़ कभी ना कभी सुनी होगी, और अगर नहीं सुना है आपने तो आपने कभी फेसबुक के किसी लाइव वीडियो में देखा होगा जब मैं जमशेदपुर का एक हिस्सा दिखा रहा होता हूँ। सो बस यही पहचान है, और मुझे तकरीबन 15 साल हो गए रेडियो पे काम करते हुए, एंड बड़ा मज़ा आता है, जैसे आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आता है, शक्लित बता रही हैं बहुत मज़ा आता है पढ़ने में आपको, तो मुझे उससे ज़्यादा मज़ा आता है रेडियो का काम करने में। एंड मेरा काम मोस्टली एंटरटेनमेंट पार्ट है, सो आई टेक केयर ऑफ योर एंटरटेनमेंट, सीरियस वाली चीज़ें नहीं करते हम लोग। और अगर मैं थोड़े अपने अचीवमेंट्स के बाद बताऊँ कि 15 सालों में मैंने क्या खास किया है, तो अभी रिसेंटली मुझे यूनिसेफ की तरफ से इंडिया में अवार्ड मिला था। यूनिसेफ सुना है? यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा रह चुकी है, आयुष्मान खुराना, अमिताभ बच्चन जी हैं, और यूनिसेफ की तरफ से पूरे इंडिया में जो टॉप 5 आर्टिस्ट को अवार्ड मिला था, आई वाज वन ऑफ देम जिसको ये अचीवमेंट मिला, तो जमशेदपुर ये अवार्ड में लेकर आया, थैंक यू सो मच। एंड ये तो अभी मुंबई बुलाया गया था मुझे, मई 5 तारीख को मैं गया था, एंड इससे पहले रेडियो सिटी ने 2018-19 में मुझे पूरे इंडिया में बेस्ट रेडियो जॉकी का अवार्ड भी दिया है। सो बस हमारे जमशेदपुर का नाम रोशन करने की जितनी कामयाब कोशिश मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। सो ये BBA का बैच है, राइट? Yes. तो चलिए थोड़ी बातचीत कर लेते हैं आप लोगों से। ये वाला माइक काम करेगा? हेलो चेक, यानी मुझे लाउड होना पड़ेगा। ओके सो मैंने सोचा कि थोड़ा फन पर माइक ये निकाल लेते हैं, तो मैंने सोचा यार, तो आज आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि आज मैं करने के आया था। आप लोगों को पता है, किन किन लोगों को पता है? किसी ने देखा गलती से मुझे कैंपस में धक्के खा रहे थे इधर उधर, वाह उसने देखा। तो आज पूरे कैंपस में हमने आपके कॉलेज को कवर किया है। सो लोग मुझे, जमशेदपुर के लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे फेसबुक लाइव वीडियोस में करता हूँ जमशेदपुर के लिए, तो आज आपके कॉलेज में हम आए थे और यहाँ पर हम लोगों ने फेसबुक लाइव किया और पूरा कॉलेज दिखाया। हमारा एक सेगमेंट चलता है कैंपस टूर,
सिटी कैंपस टूर में हमने आपका कॉलेज दिखाया और इससे पहले भी हमने कई कॉलेजेस वगैरह दिखाया है, तो इस यूनिवर्सिटी को दिखाने की एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास। ऐसे तो मैं बहुत साल पहले यहाँ पर आया था इवेंट्स वगैरह के लिए, लेकिन इस बार ही मैं जो आया तो मेरे को बहुत अमेजिंग फील हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता थी कि इस तरीके से NSU डेवलप हो चुका है और बहुत बहुत एक अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरा रहा। तो ये 3 घंटे 4 घंटे कैसे बीत गए मुझे भी पता नहीं चला, तो आप बिल्कुल मेरे को देख सकते हैं, बहुत रेस्टलेस भी फील कर रहा हूँ, बट आप लोगों को देख के वापस से एनर्जी मेरे अंदर आ गई। सो आप में से कितने सारे लोग हैं जो रेडियो सुनते हैं? तू मेरा दोस्त, तू ही मेरा दोस्त। बाकी लोग आस्था चैनल, संस्कार टीवी, एनीबडी? बाकी लोगों का एंटरटेनमेंट का सोर्स क्या है? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील वगैरह कौन बनाता है? थोड़ा आई लाइक और एटीट्यूड लाइक, ऐसे भी नहीं है, मैं ही हूं। आपका नाम एंजल प्रिया तो नहीं? एनीवे, जस्ट किडिंग, प्लीज लाइक डोंट माइंड मेरे वर्ड्स, आई एम एक्सट्रीमली फनी गाय। मेरे ऑफिस वाले तो मुझसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो मुझे हमेशा भगा दिया जाता है ऑफिस से, घर वाले भी बर्दाश्त नहीं कर पाते मुझे, बट एनीवे। सो अभी एंटरटेनमेंट के इतने सारे सोर्सेज है, पर रेडियो शुरू से ही अगर आप देखें, रेडियो की अगर बात करें तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कभी भी घटी। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना रेडियो सुनता कौन, शायद आप लोग भी ऐसे सोचते हो, पर मैं आपको बता दूं कि रेडियो इंडस्ट्री आज के डेट में बहुत पैसे कमा रही है, और उसके पीछे का जो एक रीज़न है, वो ये है कि रेडियो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपना फुल कॉन्सेंट्रेशन देने की जरूरत नहीं, राइट? घर पर मम्मियों को देखो, क्या माइक चेक, हेलो चेक चेक चेक, माइक वाले भैया मेरा माइक चला लो, हाँ चला गया, चल गया, हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो। इस माइक की हालत बिल्कुल ऐसी हुई जैसे खाना खाने के बाद हमें एकदम नींद आ रही थी, फिर सर ने बोला हॉस्टल फैसिलिटी है हमारे यहाँ पे। हेलो चेक 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 चेक, क्यों बेइज्जती करवा रहे, जल्दी चालू हो जाए, चेक 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 चेक। ऐसे बाकी टाइम पे ही चालू हो जाता होगा, मेरे समय पे ही माइक थोड़ा अच्छा शुरू से। हेलो चेक 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 चेक, ऐसे आई एम लाउड इनफ, मुझे नहीं लगता मुझे माइक की जरूरत है, ऐसे इससे बचाने के लिए थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिएगा। मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लोगों से सवाल होता है और अभी फेसबुक पे लोग लाइव देख भी रहे हैं और आप लोग भी सुन रहे हैं, तो लेट मी जस्ट गिव यू सम वेरी 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 लिटिल ब्रीफ। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा कि आप लोगों को इतने स्मार्ट और ये स्मार्टनेस गूगल से कनेक्टेड है सबसे, तो मैं ज्यादा पढ़ा चढ़ा कर बोलूंगा। तो आज के दिन में रेडियो इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं और वो इतने पैसे एक रेडियो जॉकी को देता है कि रेडियो जॉकी भी जिंदगी काट रहे, कारोबार से आ रहे हैं आपके कॉलेज में। तो अभी रेडियो इतना इंपॉर्टेंट काम करता है कि रेडियो में आपको एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं, रेडियो आपके घर में बज रहे हैं, मम्मी काम कर रही है, पापा काम कर रहे हैं, आपने पढ़ाई भी कर ली। तो आई मेट सम ऑफ द टॉपर फ्रॉम झारखंड स्टेट जिन्होंने टॉप किया और उसके बाद उन्होंने बोला, CBSE की एक टॉपर थी स्प्रीहा विश्वास, CBSE थी ICT मतलब, तो उन्होंने बोला था जब कंटिन्यू कर रहे थे, उन्होंने बोला हम आपका रेडियो सुनते थे, मैथ बनाते समय आपका शो चलता रहता था और हमने टॉप किया, तो हमने उसको मतलब एक्सट्रीमली प्राउड वे में ले लिया, वाह हमारा शो सुनते हुए कोई टॉप कर रहा है भाई, तो हमने उसको एज अ प्राउड मैटर में ले लिया, बड़ा मजा आया। तो रेडियो चलता है, आपको कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सुन रहे हो और अपना सारा काम कर रहे हो, ये हमारे घरों में चलता है, आप ड्राइव कर रहे हो कहीं पे जुक्स लाइन में फंस गए, बिस्टपुर में फंस गए, साक्षी मार्केट में, कान में लॉकर है, या फिर आपके रेडियो आपके गाड़ी पे बज रहे हैं, आप जर्नी कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डाल ही रहे, टीवी तो नहीं ना मतलब ऐसे देखना पड़ेगा और दुर्घटना की संभावना है, तो रेडियो ने ना लाइव को एंटरटेनमेंट की चीजों को बहुत इजी बना दिया था, विच इज गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम रेडियो की बात करें तो एक बात बताओ, एक अखबार डेली कितने का आता है, एक अखबार की कॉस्ट कितनी है? 5 रुपए महीने के, आराम से OTT वगैरह देखते हो, सब्सक्रिप्शन ऑन एन एवरेज कितने का लगता होगा एक चैनल का? मिनिमम 200 रुपए, मिनिमम 200। ओके, वो भी उन चैनल OTT के बाद जो देखते मिनिमम
महंगे वाले तो अलग, मोबाइल की रेट अलग है। इसके अलावा अगर हम बात करें और एंटरटेनमेंट की, चलो सोशल मीडिया तो फ्री भी नहीं बोल सकते, सोशल मीडिया चलाने के लिए महंगा फोन चाहिए और उसमें रिचार्ज चाहिए, ओके। लेकिन रेडियो की कॉस्टिंग क्या है, कभी सोचा है क्या रेडियो की कॉस्टिंग? रेडियो सुनने के लिए कितने पैसे देते हो आप? आपके मोबाइल पर रेडियो, यानी अपने मोबाइल पे रेडियो सुनने के लिए तो मोबाइल नहीं खरीदा था, लेकिन रेडियो फ्री मिल गया, ओके। आप जो एक छोटा रेडियो खरीदते हो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, लाइफ टाइम कॉस्ट कितनी होगी उसकी? 150-200 120 रुपीज। और एक बार 120 रुपीज फंसा रहे हो और अगर बिजली से वो रेडियो कनेक्ट हो गया तो फिर तो आप उसको कितना लंबा टांग सकते, राइट? तो कहने का मतलब है कि आप एक बार रेडियो पे इन्वेस्ट कर रहे हो और आप उसका मजा लाइफ टाइम एंटरटेनमेंट ले लो। अब रेडियो लोग क्यों सुनते हैं, पहले इस चीज को हम इस पे बात कर लेते हैं। देखो बहुत बेसिक नॉलेज, और मुझे लगता है कि आज के बाद जब कोई आपसे ये सवाल पूछेगा रेडियो से जुड़ा, तो आप उससे पहले आप उनको जवाब दे पाओगे। तो रेडियो किन किन वजह से सुनना पसंद करोगे, चलो हम आपसे पूछते हैं। सॉन्ग ऑफ कोर्स द प्रायोरिटी इज सॉन्ग, उसके बाद मेरे से आदमी के पास न्यूज इंफॉर्मेशन विच इज स्पेशली कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन, राइट? उसके बाद कॉमेडी एंटरटेनमेंट, सेलिब्रिटी टॉक्स भी होते हैं, पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, एंड बहुत सारे आपके फेवरेट एक्टर्स आ रहे होते हैं उसके, यू नो वो बातचीत करते हैं, यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर कॉन्वर्सेशन, राइट? उसके बाद और एक्चुअली दिस थिंग्स कॉल्ड यूटिलिटी, है ना? जैसे कि आप घर से निकले गाड़ी लेके बारिश होने वाली है, तेलको की तरफ अगर तेलको की तरफ जाए तो बहुत हेवी बारिश दिखा रहा है वेदर फोरकास्ट में, वहां पर उस प्लेस को अवॉइड करो, दूसरे रूट से जाओ। तो आपने आप कहा साक्षी में थे, आपको टेल्को का अपडेट मिल गया या टेल्को में जाम आज ने बता दिया आपको, आपने इजिली अवॉइड किया और दूसरे रूट से जाएगा, आपका बहुत समय बच गया। आज ने एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई एक मेला लगने वाला है हमारे भोपाल मैदान में, वो एक दिन एक्सटेंड हो गया है, तो आप उस मेला में जाने का सोच रहे थे पर वो एंड डेट पर आ गया, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के बाद आप दूसरे दिन फैमिली को लेकर, तो इट्स लॉट ऑफ यूटिलिटी, राइट? आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला जब आप रेडियो के थ्रू आपने अपने लाइफ में यूटिलिटी इन्फॉर्मेशन उसका इस्तेमाल किया, एंटरटेनमेंट को बढ़ाया गया। तो इन दोज वेज रेडियो इज ऑलवेज यूजफुल, और रेडियो की वजह से शायद मैं आज आपके कॉलेज में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे, ओके। अब थोड़ा कुछ फन गेम कर लेते, बहुत सीरियसली मुझे सुन लो, मुझे डर लग रहा है, तो थोड़ा फन कुछ कर लेते हैं। तो आई नीड एक लड़का और उसको टक्कर देने के लिए लड़की से, तो कौन आ गया खुद से आ जाओ, मक्कर पकड़ करके बुला दूंगा आज मेरा दोस्त काम हर तब तू क्या चला स्पॉट करके चल रहा है जो इसने बोला वो है और अभी भी और मेरे माता पिता ने सबसे इजी काम किया, इसका नाम मनोज, मनोज कुमार को देखा हो ना, मनोज तो बट तुम्हारा नाम इज अ ब्रांड अफकोर्स है अभी, और मैं छप्पा लगा एक बार देने के लिए कौन आता है, सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ टंग ट्विस्टर एंड टंग ट्विस्टर आपको परफॉर्म करना है, कौन आएगा बताओ, मतलब लगता है पकड़ पकड़ करना पड़ेगा, इन्होंने मुंह घुमाया आपने मुंह फेरा तंजीज के लिए, मैं आपको बुला रहा हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी टास्क, मुझे अभी मैं जो भी प्रेजेंटेशन करूंगा जो और टास्क होंगे उसमें से सबसे इजी करने वाले। तो मेरे पास एक टंग ट्विस्टर है और देखते हैं इस टंग ट्विस्टर को बिना फॉर्मल किए कौन 10 times बोल पाता है, ठीक है? सो ऑडियंस रेडी? यस सर। आप रेडी? या आप रेडी? ठीक है, तो इनके कितने सारे दोस्त हैं आपके? किसका तो उसके लिए प्यार होता है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, विच इज माय वेरी फेवरेट टंग ट्विस्टर, मैं हर जगह इस्तेमाल करता हूँ ये, 10 बार ही बोलना है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ।
ये 10 बार ही बोल रहा है और क्लियर बोल रहा है और पास बोल रहा है, इनमें से जो पास बोलेगा वो हमारा विनर बनेगा। ओके हाँ, मेरे टाइप उसे क्यों मेरे साथ कार में समोसा चाट शुरू करते पीतल के पतीले में पपीता पिला दिया, ठीक है? यू नो अंडरस्टैंड पीतल का पतीला पतीला अंडरस्टैंड वेरी नाइस। पीतल के पतीले में पपीता इस पपा है एंड आइंस्टीन सर, आइंस्टीन से ज्यादा आगे मत निकलो, ऐसा मैं बोला रहता तो बहुत आगे जाएगा, लोग वहां तक बोला तो आदि तो फिर से बात है।
मैं उन उस समय को कभी भूला नहीं, मैं लोगों को हमेशा ये बातें बताता हूँ और मैं भूलना भी नहीं चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज एक रेडियो जॉकी होता है, आई शो ऑफ कि आई ओनली वन स्पोर्ट्स बाई, बट ऑफकोर्स आई वॉन्ट पीपल टू नो अबाउट दिस ट्रबल दैट उस समय मेरे पास साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं थे, मेरा परिवार इतना सक्षम नहीं था कि मुझे एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीद के दे सके सो दैट मैं वो डिस्टेंस को कवर कर पाऊँ। लेकिन जो भी किया मैंने उस समय, मैंने बहुत मजे किए, मतलब इंजॉय किया, मैंने हर चीज में सीखने के बारे में सोचा। आप में से बहुत सारे लोग कल के डेट में प्लेस होंगे, अच्छी अच्छी कंपनीज में जाओगे, काम करोगे, शायद उन कंपनीज में काम करने के बाद एक सालों के अंदर आपको ऐसा फील होगा कि यार यहाँ तो लाइफ स्पेंड हो गई यार, मजा नहीं आ रहा है, कहाँ डिप्रेशन में जा रहा है यार, इतना काम करना पड़ा, ये होगा। पर यही वो समय होता है जब अपने आप की खोज करते हो, अपने आप को रियल जो आपके अंदर का हीरो होता है ना, वो इसी समय पर निकलता है। वो ये टाइम नहीं होता जब कॉलेज यहाँ तो जितने लेसन लेने जो लेक्चर्स यहाँ पे बोरिंग लग रहे हैं ना आपके सर पे, वही सब याद आएंगे जब आप प्लेस हो गए किसी कंपनी में, आपको एक्चुअली में वो सारी चीजें याद आने लगेंगी, वो रिविजन चलता रहेगा, ऐसे चलते रहेगा यहाँ पर, ओके। और फिर आपको वहां पर एक हीरो बनकर उभरने का मौका मिलेगा, जो उस परिस्थिति से लड़ लेता है उनका एग्जाम्पल कॉलेज फ्रेंड्स फैमिली देते हैं, और जो नहीं लड़ पाता है तो भाई फिर सोसाइटी वाले क्या बुलाती है उनको, लूजर्स। बट एक्चुअली वो लूजर्स नहीं होते, इट्स जस्ट दैट दे डोंट वांट टू पुट एफर्ट्स, वो एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, दैट्स द प्रॉब्लम। एंड समहाउ मैंने अपने लाइफ में हमेशा एफर्ट्स डाले और जिसकी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और इंडिया में मुझे तो नहीं लगता जमशेदपुर झारखंड में, इनफैक्ट झारखंड की बात करते, इंडिया जमशेदपुर की बात नहीं करते, झारखंड में आई डोंट नो एनी रेडियो जॉकी जिन्होंने इंडिया में दो अवार्ड जीते, तो एटलीस्ट मैं इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और उससे बढ़कर बात जो एक लाइव लेसन आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, तो मैं बताना चाहूंगा कि जितना हो सके अपना एफर्ट दो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एफर्ट दो। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जब से हम यहाँ पर आए हैं मैं कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक लंच ब्रेक हुआ था, मैं कंटिन्यूसली, लेकिन रोशनी है पहले कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। और ये एनर्जी कहाँ से, ये एनर्जी मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है ऑन फेसबुक लाइव या फिर आप लोग, तो आज अगर मैं अपना एनर्जी डाउन रखूँ तो फिर एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा, तो अगर आज बनकर ऐसे काम करते मुझे बनना ही नहीं आता, तो मैं एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ, ये एनर्जी वहां से निकल कर आ रही है। तो जो भी आप अपने लाइफ में काम कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एनएसयू हम बात कर रहे थे राजेश सर के साथ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने असीम संभावनाएं हैं, यहाँ पे प्लेसमेंट को लेकर डिपार्टमेंट्स है और जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कंपनियां खोज रहे हैं, वे वर्कर बहुत सब स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी प्लेस है अच्छी अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेजेस पे, तो इस कैंपस का पूरा पूरा फायदा उठाइए, ओके। इस कैंपस का पूरा फायदा उठाइए, जो एक्सपर्ट आपके बीच में है उनसे खोज खोज की चीजें पूछिए, क्योंकि बाद में ये मौका नहीं आएगा जब आप कॉलेज छोड़ोगे, फिर रह जाएगी यादें, है ना, फिर वो गाना केके के सॉन्ग के साथ रील पे लगा याद आएंगे वो पल, है ना। लेकिन यहाँ पर जितना सके इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए, क्योंकि मैं आपको इस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैं 15 सालों से काम कर रहा हूँ तो मुझे भी याद आता है, जब मुझे कोई लेसन दे रहा था तो मुझे वहां पर अलर्ट मोड पे रहना चाहिए, बट ठीक है, काम करते करते तो आप वैसे भी सीख जाओगे, अलर्ट रहोगे तो जल्दी सीखोगे, और अलर्ट नहीं होगा तो 5 साल का एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा, तब आप स्टेबल हो पाओगे, ओके। मैं चाहूंगा कि जब ये पॉजिटिव मुझे मिला है तो किसी का कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते थे शुरू से किसी आरजे से या किसी रेडियो इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी व्यक्ति से, कोई भी सवाल है बड़ी उम्र को आज की, फिर मुझे नहीं पता फिर मुझे एनएसयू का बुलाने वाला है यहाँ पे दोबारा, राइट, आई वुड लव टू दोबारा आने के लिए, मुझे मजा आएगा। बट एनीबडी अपने रिलेटेड से कॉन्फिडेंस से रिलेटेड पॉजिटिविटी से कुछ भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, क्या मुझे स्टार्टिंग समझ पे तुम लोग नहीं समझ पा बुरा लगा। सो आई डू दिस टू कैरेक्टर, मेरे शो में दो कैरेक्टर करते हैं, उसमें से एक कैरेक्टर के बारे में आपको बताता हूँ, इसका नाम है लल्लन ऑटो वाला, नाम सुना है रेडियो पे लल्लन ऑटो वाला, तो ये सुबह 9 से 10 के बीच में आता है मेरे शो पे 91.1 पे। और लल्लन ऑटो वाला है एक ऐसा शख्स जिसे जमशेदपुर के बारे में सारी जानकारी है, ठीक है, वो कैरेक्टर मैं ही प्ले करता हूँ। तो हाउ आई स्विच मनोज से लल्लन ऑटो वाला, लल्लन ऑटो वाला से मनोज, ये मैं आपको बताता हूँ। तो लल्लन ऑटो वाला को मैं स्केच कर रहा था कि वो आदमी कैसा दिखता होगा, कैसा बिहेव करेगा, तो फिर मैंने इमेजिन किया गमछा लगाया होगा वो आदमी, ऑटो में बैठेगा, मुंह में हमेशा कुछ 5 सुपारी रहेगी, और वो सियाना बोले ना, वो सबसे सियाना, उसको सब कुछ पता है, उसको नासा के बारे में भी सवाल कुछ को बता देगा, ऑटो वाले होते ना वो स्मार्ट, अरे भाई हम मत बोल रहे हमको पता, हम बता रहे आपको काम करता, ठीक है। तो आई हैव दैट्स हाउ आई प्ले दैट कैरेक्टर, तो जब रेडियो में रहता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल की आज मैं एनएसयू में आया हूँ और लल्लन ऑटो वाला भी यहाँ पे पहुंच गया, उन्हीं के ऑटो में बैठ गया,
तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं उस रिपोर्ट मेरा नाम आज मनोज है और एक बार फिर से आ गए हैं ललन ऑटो वाला आइए से मतलब ललन भैया क्या चाल अरे मत बोलिए एक तो ये ह्यूमिडिटी एक ना मनोज टाइप का था ऐसा एकदम मरे मरे हम आए थे कॉलेज में वो तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मनोज भाई कि कॉलेज हमको पानी पिलाया खाना भी पिलाया कैंटीन में अरे वाह ललन जी आपकी तो शादी और फैन फॉलोइंग मिली की मिला बहुत ही लंबा फैन फॉलोइंग था पर समझ नहीं आया था वो सब लाइन में चप्पल लेके क्यों खड़े ललन जी एनकाउंटर तो नहीं हुआ अरे नहीं टाइम नहीं था सर हम निकल ले वहां बहुत बढ़िया के ललन जी आपने फिर कहाँ गया दो तीन को डिपार्टमेंट में गए सर वो भूतनी डिपार्टमेंट भूतनी भूतनी डिपार्टमेंट में गए आप उधर गए थे सर उधर वो चिंगड़ी मच्छी को काट रहा था उधर बता रहा था कि वो कल्चर होता है देखिए उसका अंदर का चीज समझिए तो समझे ललन जी हम पैक करा के घर गए घर पे समझ मसाला नहीं लिए मसाला पत्ती कहने का मतलब ये कि मैक्सिमम एक ही हमारा मोटिव होता है कि मैक्सिमम एंटरटेनमेंट क्रिएट करना लोगों के लिए ताकि वो एंजॉय कर सके क्योंकि मुझे लगता है कि आप कॉलेज की पढ़ाई करके जब आप घर लोगे आप रेडियो चलाओगे कोई ज्ञान दे तो नहीं सुनना पसंद करोगे कोई ज्ञान दे रहा है कि जीवन में अच्छा करो ऐसा करो ऐसा करो मैं तो नहीं सुनूंगा तो देयर शुड बी मैक्सिमम एंटरटेनमेंट ऑन रेडियो और ये हमारी कोशिश है रेडियो से भी हर फील्ड में हम लोग आगे यू नो उसको लेकर हम आ रहे हैं And lastly, before I conclude, we are the only radio channel in Jamshedpur, जो जब भी कोई नया सिनेमा अभी तो कोविड की वजह से थोड़ा बंद हो गया था जब भी कोई नया सिनेमा रिलीज होता तो हम ब्लू कार्पेट करते हैं हम पूरा सिनेमा हॉल बुक कर लेते हैं पूरा और लोगों को फ्री में टिकट देते हैं आप कॉन्टेस्ट के लिए कॉन्टेस्ट कैसे आपको रेडियो सिटी को मिस कॉल मारना है और जो पहले मिस कॉल मारता है हम उसको टिकट देते हैं फिर एक गेम होता है एक्चुअली गेम ही तो ये कॉन्टेस्ट होता है एक और हमारे कॉन्टेस्ट है बुलेट हम रेडियो सिटी की तरफ से बुलेट फ्री में देते हैं लोगों को बुलेट बुलेट गाड़ी तो वो कैसे मिलता है आपको मिस कॉल मारना है अगर आप मिस कॉल मारेंगे हम आपको कॉल करेंगे तो हम जैसे कॉल करेंगे आपको हेलो नहीं बोलना है और हम किसी भी नंबर से कॉल कर सकते हैं आपको ठीक है और आप अगर आपने उठा के हेलो बोल दिया तो आप आउट और अगर आप समझ गए और आपने बोला जी या फिर ओके बोलिए तो आप जीत गए तो यानी आप फाइनल में आ जाएंगे फिर आपको सीधा हम मेन इवेंट में बुलाएंगे आपके नाम की लॉटरी होगी जो 30 लोग सिलेक्ट होते हैं उन 30 लोगों में से किसी एक को बुलेट मिल जाएगी देखो गांधी जी ऐसा कोई नहीं करता वी आर द ओनली रेडियो चैनल जो एक ऐसा कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट ऑर्गेनाइज करता है जिसका नाम है रेडियो सिटी सुपर सिंगर तो इस सुपर सिंगर को नेशनल लेवल पर कैलाश खैर जज करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से 4 लोग सिंगर है आप पार्टिसिपेट करेंगे और हम लोग वहां पे इसको उस कॉन्टेस्ट को कर रहे हैं फिल्टर होता है तो फाइनल में मान लो 15 लोग हैं तो कैलाश खैर आपको जज करेंगे और जीतने वालों को कितना मिलता पता है 1,00,000 रुपए और इतना बड़ा अमाउंट कोई नहीं देता तो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो रेडियो बदलाव के लिए हम कर रहे हैं और रेडियो सिर्फ रेडियो के लिए नहीं रह गए एंटरटेनमेंट के लिए हम बदलाव भी ला रहे हैं एंड विच इज अमेजिंग तो अब हम इस चीजों को कंक्लूड करते हैं लास्टली मैं एक लेसन दे के जाना चाहता हूं और इसके लिए मुझे चाहिए कुछ लोग हम एक गेम खेलेंगे ठीक है और इस गेम के लिए मुझे चाहिए 5 लड़के 5 लड़कियां ऐसे तो हम सबके साथ इस गेम को खेल सकते हैं पर आई थिंक स्पेस की भी 5 लड़के और 5 लड़के खुद से आ जाओ और माथा पकड़ करेंगे ये ज्वाइंट इसमें कोई गेम नहीं कुछ परफॉर्म नहीं करना बस आ जाओ 5 लड़के 5 लड़कियां आप में से कौन आएगा कुछ परफॉर्म नहीं करना है बट एक टास्क है जो सबको करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तुमको बढ़िया से इसको ना पहले तो लाइन लगा फिर बता दू पहले थोड़ा एक एक हाथ का गैप एक से आधा आता क्या इस तरह मुंह करो ओके हाँ थोड़ा गैप में ओके तो लड़के बीच में भी आता लड़के बीच में रूपी क्यों बना लिया थोड़ा सा पीछे जाने नहीं आता थोड़ा भैया एक तरह तो ज्यादा है ठीक मुझे एक पेपर और पेन की जरूरत है कोई भी मुझे पास करे अब एक काम करें अब आप सब लोग इस तरफ देखिए आप नॉर्मल पे देखिए आप सब लोग इस तरफ ओके
बहुत ही सिंपल सा गेम है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये जो गेम है ये एक लेसन होगा, एक ऐसी चीज होगी जो आपको जिंदगी भर के लिए काम आएगी। सो इट इज अबाउट कम्युनिकेशन, यू नो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट आउट दिस। ओके, इस गेम के बाद बाइंडर करेंगे, ठीक है? आप लोग बात कर सकते हैं, मैं इसे एड्रेस देता हूँ। आप लोग सब टेंशन हुई हो ना? आपको ये सबको पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ एक व्यक्ति पढ़ा दिए, बाकी वो आपको क्या अनुवाद करते मुझे नहीं। स्पष्ट लिखना पड़ेगा, चलो डन। बाकी लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, तब तक आप लोग ध्यान रखें। तो यार चीटिंग करना कितनी बुरी बात होती है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक बार मैं एग्जाम देखने गया था, आई वोंट मेंशन द कॉलेज नेम, और एग्जाम कहाँ हुआ था, तो मैंने सोचा बाकी लोग तो चीटिंग करते तो मैंने भी ना सोचा कि मैं भी चिट बना के ले जाऊँ, और मैंने अपने मौजे में एक चिट छिपा के ले गया। अब जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेरा पूरा एग्जाम खराब हो गया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान कहाँ था, और मुझे जो सिंपल चीजें थे मैं नौकरी मिल सकती, और मैंने उस दिन से कसम खाई कि या तो चिट दादा नहीं मेरे से कसम है कि आप कभी चिट नहीं। ओके ओके, पास 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 चल हाँ तो सर चुकुमार यार मुझे ऐसे के लिए बहुत मजा आया वाले इसलिए